पचास पचास कोस दूर जब कोई हरामजादा अपनी हरामी गिरी दिखाता है। अरे हिमेश भैया, वैसे भी कोई पचास पचास कोस दूर नहीं रुकता है आपके गाने सुनने के बाद, तो फिर इस अड्डी में विस्फोट कर देने वाली फिल्म लाने की जरूरत ही क्या थी। तो गाइस, जिनको भी नहीं पता, पहले मैं उनको बता दूं कि सदी के महासिंगर जो अपनी नाक की धुन से अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, मतलब कि हिमेश रेशमिया, तो उनकी एक मूवी आने वाली है बैड एस रवि कुमार। हाँ ठीक सुना तुमने, बैड एस रवि कुमार नाम की एक मूवी आने वाली है, जिसका कि ये हाल फिलहाल में आंखों में बवासीर कर देने वाला पूरे 3 मिनट का टाइटल अनाउंसमेंट टीजर रिलीज हुआ है। 3 मिनट का, सीरियसली। और अगर इसका टीजर ही 3 मिनट का है, तो तुम कैलकुलेशन लगा सकते हो कि ये मूवी तो पूरे 7-8 दिन की होगी, सीरियस। और आपने जिस तरीके से टाइट पैंट के साथ कैमरे को हिला देने वाली एंट्री ली है, उसको देखने के बाद तो मुझे पीके वाले इस सीन की याद आ गई, क्योंकि उसको भी ऐसे ही पैंट टाइट पहनने की आदत थी। बात तो सही है। तो अब अगर सीधे शब्दों में बोलू तो जो लॉजिक को फ्लश करके नाले में बहा दे, ठीक वैसा ही काम किया है यहाँ पे हिमेश रेशमिया ने। आई हेट नेगेटिविटी। अच्छा। नहीं मतलब कि लाइफ में बस इतना ही कॉन्फिडेंस चाहिए, बस इतना ही। और जिस हिसाब से इन्होंने हिसाब लगाकर VFX और CGI का यूज किया है इसके अंदर, कसम से इनके सामने तो हॉलीवुड और बॉलीवुड के VFX और CGI भी दूध पीने वाले बच्चे लगेंगे। क्या बात है सर। और पूरे 150 रुपए खर्च करके सनीचर बाजार से जो ग्रीन स्क्रीन खरीद कर इन्होंने पब्लिक शौचालय में लगाकर उसके सामने जो तबाही मचाई है, और उसके बाद जो हेलीकॉप्टर गिराए हैं, जो गन शॉट चलाई है, और जिस तरीके से कारों को उड़ाया है, उसके सामने तो KGF भी फेल है। कहाँ देखूं जरा, ये तो बताओ पहले यार। और ये लड़ाई चल कहाँ रही है आखिर? और पहले ये बताओ कि इतने सारे भाड़े के गुंडे कहाँ से उठाकर लेकर आए हैं, जो इतनी गोली चलाने के बाद भी एक भी निशाना सही से नहीं लगता इनसे। अच्छा। और सच बताता हूँ कि इसको देखने के बाद मुझे टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती 2 और वो एक श्रवण जिसकी द लेजेंड नाम की मूवी आई थी, अब वो भी इसको देखने के बाद अच्छी लगने लगी है। और हिमेश भाई ने जिस तरीके से डायलॉग अपने सुंदर मुख से निकाले हैं, उनको सुनने के बाद तो यही लगता है कि ये डायलॉग कोई 4th क्लास के चिंटू ने अपनी साइंस की बुक से टीप टाप कर लिखे होंगे। तेरे शरीर में इतना खून नहीं होगा जितना रवि कुमार एक बार में मूत देता है। इतना सुसु लाते कहां से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, और रखते कहां? ये तालाब तुमने भरा। आजाद। और अभी तो हमने हिमेश भाई के गाने गाने का स्टाइल देखा है नाक से, थोड़ा बहुत एक्टिंग का स्टाइल भी देखा है सस्ता वाला, लेकिन अब इनके अंदर माइकल जैक्सन की आत्मा आ चुकी है और वो ऐसे बटरफ्लाई बनकर उड़ते नजर आ रहे है। और अभी तो रुको। और इसके अलावा एक सीन में तो अपने हिमेश रेशमिया ने ग्रेविटी को मानो चूना ही लगा दिया। उन्होंने अपने अंदाज में पूरे दो टायर पर एक कार को हवा में गोल गोल घुमा दिया। और सच बताता हूँ कि इस कार स्टंट के सामने तो हीरोपंती 2 का ये कार स्टंट भी फेल है। तो अभी तक तुमने अगर बैड एस रवि कुमार का टीजर नहीं देखा है, तो मेरी मानो तो आप देखना भी मत, अगर अपनी आंखों को सुरक्षित रखना चाहते हो। और एक चीज यहाँ पे जाते जाते तुमको बता दूं कि ये मूवी KGF 2 को टक्कर देने वाली है।